तो गाइज वेलकम बैक टू माय। तो इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ और एक मैच के बारे में जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है, जो कि मैच में बात करूँगा मैं। उस मैच कौन सा मैच है मैं बात करूँगा, पर उससे पहले थोड़ा देख लो लीग एक साथ बहुत बड़ा ऐप है, ज़रूर एक बार ट्राई करना क्योंकि आपको यहाँ फ्री लीग मिलेगा। फ्री लीग के पास आपको 100% बोनस लीग मिलेगा, तो ज़रूर एक बार ट्राई कर लो। तो अगर मैं बात करने जा रहा हूँ आज का मुकाबला जो कि कैरेबियन टीम का T20 का पहला मुकाबला है, जमैका तले वर्सेस सेट किस, उनके बीच मैच खेला जाएगा। तो मैच ये टाइमिंग मैं बता दूंगा, तो टाइमिंग ये मैच होगा 4:30 बजे मैच चलोगा। तो आप उठ के आपको अलार्म लगा के आप उठ के वो टीम एडिट करना जरूरी होगा। तो देख लेते हैं क्या है दोनों से प्लेयर स्टैट्स, कैसे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस कैसा है वो सब देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो चलो गाइस टीम बनाने से पहले आपको मैं दिखा देता हूँ दोनों का प्लेयर स्टैट, दिखा देता हूँ दोनों टीम का प्लेयर स्टैट कैसे, पहले वो देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख लो 1 सितंबर यानी कल ये मैच खेला जाएगा। फर्स्ट मैच है कैरेबियन प्रीमियर लीग का थर्सडे 1 सितंबर 4:30 यानी सुबह 4:30 बजे मैच चलेगा। तो उठ के आप अलार्म लगा के उठ के आप उनको टीम एडिट करना जरूर मत भूलिए। तो ये रहा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देख लेते पहले दोनों टीम का प्लेयर स्टैट देख लेते हैं। उसमें पहले देख लेते जमैका तलेवास का देख लेते उनका रिकॉर्ड कैसा है। उसमें पहले आते हैं रोवान पॉल कैप्टन है टीम के, उनका रिकॉर्ड देख लेते हैं। बैटिंग बॉल दोनों बहुत बड़ा करता है। इनका रिकॉर्ड लो T20 में 50 मैच इन्होंने 826 रन बनाया क्या रहे 826 और हाईएस्ट स्कोर इनका 107 है। 25 इनका एवरेज स्कोर है और 138 इनका स्ट्राइक रेट है। और बॉलिंग में 50 मैच इन्होंने 4 विकेट लेकर आए सिर्फ, तो बॉलिंग में उतना खास विकेट नहीं लेकर आए क्योंकि उनको ज़्यादा बॉलिंग चांस नहीं मिलेगी तो वो ज़्यादा विकेट नहीं लेकर आए। तो ट्राई कर सकते हो कैप्टन भी इस मैच में, तो विकेट लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं संजीव लामिचिनी, एक बहुत बड़ा स्पिन बॉलर है। इनका रिकॉर्ड लो 40 मैच में 78 विकेट लेकर आ रहे। बेस्ट इनका 5/9 विकेट है यानी 5 विकेट लेकर आ रहे 9 रन देकर। फैबिन एलन एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर है, जरूर उनको एक मैच में कैप्टन ट्राई करना ग्रैंड लीग में क्योंकि अच्छा खासा रन मार के देता है प्लस आपको विकेट भी लेकर देता है। इनका रिकॉर्ड लो T20 में 34 मैच में 267 रन बना के आ रहे। हाइस्ट उनका 34 का है और एवरेज इनका 16 का बैटिंग एवरेज है। और बॉलिंग में 34 मैच में 24 विकेट लेकर आ रहे, तो बॉलिंग भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके आते हैं प्लस बैटिंग भी अच्छा कर लेता है। इमाद वासिम एक पाकिस्तान का बॉलर है, इनका रिकॉर्ड लो 58 मैच में 55 विकेट लेकर आए। बेस्ट इनका 5/14 है। और नेक्स्ट बैडम किंग बहुत बड़े बैट्समैन है, वेस्ट इंडीज़ का ओपनिंग बैट्समैन। इनका पहले देख लो रिकॉर्ड 28 मैच में 630 रन बना के रहे। हाईएस्ट स्कोर इनका 68 है और एवरेज इनका 25 का एवरेज है। किन्नर लिविस एक बहुत बड़े ऑलराउंडर बोल सकते हैं आप इनको, देखेंगे बॉलिंग में विकेट लेते हैं नहीं, बॉलिंग नहीं सिर्फ बैट्समैन बहुत बड़ा है पर इनका रिकॉर्ड नहीं अभी तक क्योंकि ये अभी तक इंटरनेशनल नहीं खेले। मोहम्मद जबीर इनका रिकॉर्ड देख लेते हैं, बॉलिंग में बहुत बड़ा बॉलर है, पहले पाकिस्तान का था अब USA का हो गया है। इनका रिकॉर्ड T20 में 50 मैच में 59 विकेट लेकर आ रहे। बेस्ट इनका 4/13 है, तो ये प्लेयर बहुत बड़ा है। नेक्स्ट आते हैं सैमन बुक्स यानी नहीं खेलेगा असली क्रिस ग्रीन, भी प्लेयर बहुत बड़ा है, साउथ अफ्रीका का प्लेयर है पर वेस्ट इंडीज का कभी मैच खेलेगा तो वहाँ जाता है प्लेयर। तो इनका अभी तक रिकॉर्ड नहीं है, IPL में खेला था एक मैच में, उसमें विकेट नहीं लेता है बंदा तो उनका रिकॉर्ड नहीं है पर प्लेयर बहुत बड़ा है अभी। तो वैसे अभी मुझे कोई अच्छा प्लेयर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो अभी तक के लिए रहेगा कुछ प्लेयर्स और उनके स्टैट्स। तो आज आप देख लेते और एक टीम का एक जो कि सेट किस एंड निविस पेट्रोडिस। तो उनपे मैं पहले आते डेवन ब्रो कैप्टन हो गया, अब टीके आर छोड़कर यहाँ पे आ गए उन्होंने। इनका रिकॉर्ड देख लो पहले बैटिंग में बहुत बड़ा प्लेयर है, 91 मैच इन्होंने 1254 रन बनाए, हाईएस्ट इनका 66 है। 22 का एवरेज इनका T20 में पर IPL में देखो 161 मैच खेल कर आ रहे, उसमें 1560 रन बना के रहे, 70 इनका हाईएस्ट स्कोर है और 22 उनका बैटिंग एवरेज है। बॉलिंग में देख लो बैटिंग उतना ज़्यादा नहीं करते पर बॉलिंग में देख लो उनका रिकॉर्ड 91 मैच इन्हें 78 विकेट लेकर आ रहे। वो T20 में बेस्ट इनका 4/19 है और IPL में 161 मैच है 183 विकेट लेकर आ रहे, तो प्लेयर बहुत बड़ा है, हर मैच विकेट लेके जाता है, तत्वर में बॉलिंग करने आता है। नेक्स्ट आते हैं इवन लिविस, बहुत बड़ा प्लेयर है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। इनका रिकॉर्ड T20 में 50 मैच में 1423 रन बना के आ रहे, हाईएस्ट इनका 125 रन है और 30 इनका बैटिंग एवरेज है। स्ट्राइक रेट इनका 155 का स्ट्राइक रेट है।
प्लेयर बहुत बड़ा है। एंड्री फ्लेचर एक विकेट कीपर बैट्समैन बहुत बड़ा बैट्समैन है। इनका रिकॉर्ड देख लो 54 मैच इन्होंने 950 रन बना के रहे, 84 इनका हाईएस्ट स्कोर है और 21 इनका एवरेज है और 111 इनका स्ट्राइक रेट है। प्लेयर बहुत बड़ा है। अभी वन इंडो हसरंगा हमारे साथ नहीं खेलेगा क्योंकि वहाँ पे उन्हों नेशनल टीम के साथ गए, उनको वहाँ पे गए। स्नैफन रदरफोर्ड इनका रिकॉर्ड देख लो 6 मैच में सिर्फ 43 रन बना के रहे, क्योंकि ज़्यादा नहीं खेले ये भी मैच और बॉलिंग नहीं करते आई थिंक। डैन प्रेटोरियस इनका भी रिकॉर्ड देख लो, खेलेंगे नहीं बाद में देखेंगे। बैटिंग में देख लो पहले 29 मैच 260 रन बना के रहे, 77 इनका हाईएस्ट स्कोर है और बॉलिंग में 29 मैच 22 विकेट लेकर रहे। प्लेयर बहुत बड़ा है। आईपीएल में 6 मैच 6 विकेट लेकर था, हर मैच 1 विकेट, तो बंदा बहुत बड़ा है। बॉलिंग करता है तो विकेट लेके जाता है। शार्डन कटोल बहुत बड़ा बॉलर है, लेफ्ट आर्म स्पेस बॉलर। इनका रिकॉर्ड देख लो 41 मैच में 48 विकेट लेकर रहे और आईपीएल में 6 मैच 6 विकेट लेकर रहा। ये प्लेयर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी इनका। और नेक्स्ट डोमिनिक ड्रेक्स, ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है बॉलर। आई थिंक ये इनका भी रिकॉर्ड देख लो 10 मैच इन्होंने सिर्फ 6 विकेट लेकर रहे, वो भी T20 में, क्योंकि ज़्यादा नहीं खेले T20 तो इसलिए ज़्यादा विकेट नहीं लिया इनका। डेविलियर ब्रेविस एक बहुत बड़ा बैट्समैन है साउथ अफ्रीका का। आईपीएल में देख लो 7 मैच भी खेले थे, उसमें भी 161 रन बनाए थे, हाईएस्ट इनका 49 था, 23 का एवरेज था और बॉलिंग का था 7 मैच सिर्फ 1 विकेट लेकर था, वो भी एक ही मैच में। और जॉस रस जगेसर इनका रिकॉर्ड देख लो, बॉलर बहुत बड़ा बॉलर है एक, इनका रिकॉर्ड नहीं है पर स्पिन बॉलर है, बहुत बड़ा स्पिन बॉलर है, खेलेगा तो उनको जरूर पिक करना। तो इसरा नवीड हाई किने की देखेंगे इनका रिकॉर्ड, आई थिंक इनका भी नहीं है क्योंकि ये भी नया प्लेयर है। तो अभी के लिए था कुछ धोनी का प्ले स्टेट्स, आप देख लेते धोनी का पिछले मैच का परफॉर्मेंस कैसा था वो देखना जरूरी होगा, तो वो देख लेते। तो वैसे पिछले मैच में हुआ था जो कैरेबियन T20 में, उसमें सेट क्रिट उन्होंने ये मैच जीत कराई थी, फाइनल मैच में वो जीत कराई थी। उसमें पहले सेंट लुइस किंग ने पहले बैटिंग किए थे, उसमें 159 रन बनाए थे और बॉलिंग में कॉटल ने एक ओवर किया था वो विकेट नहीं लिया था, फैबिनेल ने एक विकेट ले गया था, फवाद अहमद दो विकेट ले गया था, नसीम शाह दो विकेट, डोमिनिक ड्रेक्स एक विकेट और जस्टिस जगेसर एक विकेट ले गया था। नसीम शाह और फवाद अहमद दोनों नहीं इस मैच में तो उनको छोड़ सकते हो। और उनके बैटिंग में गेल ने 0 रन आउट हुए थे, लिविस 6 रन बनाए थे, जॉस्टिस सिल्वा 37 रन की पारी करे थे, स्टैनफिन रडफोर 25 रन बनाए थे, डीजे ब्रावो 8 रन, डोमिनिक ड्रेक्स 48 रन के नॉट आउट पारी करे थे, वही मैच जीता गया था और फैबिन एलन 20 रन, क्वार्टर ने 5 रन बने के आउट हुए थे और नसीम शाह 1 रन बनाए थे और ये मैच जीत कर आए थे आराम से और ट्रॉफी भी जीत लिए थे सेट क्रिस ने। अब देख लेते और एक टीम का जो कि जमैका तलेवास का। तो वह यहाँ पे मुझे हेड टू हेड मिला, हेड टू हेड टीम का रिकॉर्ड जमैका तलेवास से सेट क्रिस लुइस पेट्रोस का बीच में। तो उसमें जमैका तलेवास पहले बैटिंग करते हुए 169 बनाए थे 8 विकेट खोकर, उसमें केनर लेविस 20 रन बनाए थे, क्रिक मैग्नस 19 रन, सैमरन बुक्स 43 रन की पारी की गए थे, रोहन पॉल 37 रन बनाए थे, कैलरस पैट्रिक एक विकेट लेकर आए थे सॉरी एक रन बनाया था, रसल ने 28 रन की पारी की गए थे, हैडरले 3 रन, माइकल पेटरस 1 रन और इमाड हसन ने वीर ने दोनों ने एक एक रन बनाया था। और उनके बॉलिंग में यानी सेट क्रिस की बॉलिंग में फैबिनेल ने एक विकेट लेकर आया था, फैबिनेल को जरूर पिक करना क्योंकि बॉलिंग करता है बैटिंग भी विकेट लेकर आता है। वैन मरनाकर एक विकेट, डोमिनिक डिस दो विकेट, फवाद अहमद दो विकेट, बुपरा 0 विकेट और जगेसर 2 विकेट ले गया था। और वही बैटिंग में लिविस ने 5 रन बना के आउट हुए थे, डिवॉन थॉमस 35 रन, गेल 12 रन, जॉस्टिस सिल्वा 28 रन, बुपरा 6 रन, डोमिनिक डिस 22 रन, फैबिन एलन 18 रन। देखो यहाँ पे बैटिंग से भी अच्छा खास रन बना के आया था फैबिन एलन, एंड्री मैकर 5 रन, वैनकर 3 रन बना के आउट हुए थे। और जमैका की बॉलिंग में फिमान हसिन 0 विकेट, माइकल पेटोरिस 3 विकेट, क्रिस किन 1 विकेट, एंड्रेस 1 विकेट और वीरस्वामी पेरमल ने 2 विकेट ले गया था और कैलोस बैटवेट ने विकेट नहीं ले गया था। तो गाइस ये होता है कुछ धोनी का प्ले स्टैट, धोनी का पिछले मैच का परफॉर्मेंस। तो गाइस ऑलरेडी मैं आपको एक टीम बना चुका हूँ तो उसको टीम आपको मैं एडिट करके दिखा दूँगा। तो गाइस जैसे किसी एक स्मॉल टीम है मेरी, तो इस टाइम मैं 3 बैट्समैन लेना चाहता हूँ। पहले बैट्समैन लूँगा रोहन पॉल एक बहुत बड़ा बैट्समैन है, प्लस बॉलिंग भी करता है और कैप्टन भी है। ऊपर से 60 का रिकॉर्ड देख लो पिछले मैच में, उन्होंने सिर्फ 5 रन बना के आउट होते, उससे पहले 34 रन की पारी क्लिक करे थे और उससे पहले मैच में उन्होंने सिर्फ कैच पे आउट 2 कैच पड़े थे और 11 रन बनाए थे। तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है लास्ट 2-3 मैच, तो उसके हिसाब से मैं ले रहा हूँ उनको।
यानी कि मैं छोड़ दूंगा और प्लेयर कौन सा, तो प्लेयर ऐड, नए प्लेयर ऐड होंगे, तो अभी तक के लिए मेरा सेफ टीम रहेगा। और नेक्स्ट इवन लेविस के ले रहा हूँ, इवन लेविस का रिकॉर्ड भी पिछले मैच में उन्होंने 32 रन की पारी खेल गए थे, और उससे पहले मैच में उन्होंने 21 रन की पारी खेल गए थे। लास्ट दो तीन मैच में अच्छे परफॉर्मेंस करके आए, तो इसलिए मैं साथ जा रहा हूँ। और लास्ट में डेवान लेविस, बहुत बड़े बैट्समैन है, देखो 60 में पिछले मैच फ्लॉप हुए थे, पर प्लेयर बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। ये मैं रिकॉर्ड से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि प्लेयर बंदा बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। अभी तक के लिए मेरे तीन बैट्समैन रहेंगे, और विकेट कीपर में मिलूंगा एंड्री फ्लेचर को, क्योंकि फ्लेचर एक बहुत बड़ा बैट्समैन है। आप देख लो ओपनिंग बैट्समैन भी विकेट कीपिंग करेंगे, पिछले मैच 27 रन बनाए थे, उससे पहले 60 रन के पारी खेल गए थे, तो एक मैच 33 भी, तो प्लेयर बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। अच्छे परफॉर्मेंस करके आता है। और ऑलराउंडर में तीन ऑर्डर लूँगा, इमरान वासिम, डैन ब्रो और फैबिन एलन। तो इमरान वासिम का पहले रिकॉर्ड देख लो, पिछले मैच 11 रन बनाए थे, एक विकेट लेके आए थे, पाकिस्तान T20 मैच खेले थे, और उससे पहले 8 रन 1 विकेट, तो हर मैच ये विकेट लेके आए थे, प्लस बॉलिंग भी करते, तो इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप उनको छोड़ना छोड़ सकते हो, अगर मैं लेना उस पर वो नहीं खेलेगा तो उनको छोड़ कर मैं किसी और प्लेयर को ले लूँगा। और नेक्स्ट डैन ब्रो कैप्टन में टीम का, 100 मैच में खेलेंगे तो यहाँ पे आ सकते हैं, तो पिछले मैच 2 विकेट लेके आए थे 100 मैच में, और उससे पहले सिर्फ 1 विकेट, तो हर मैच विकेट लेके आता है, तो इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। नेक्स्ट फैबिन एलन, फैबिन एलन का रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, देखो यहाँ पिछले मैच 60 में उन्होंने 82 रन की पारी खेल गए थे, उससे पहले थोड़ा फ्लॉप हुए थे, सिर्फ 1 रन बना के उठे थे, और उससे पहले 10 रन, तो प्लेयर बहुत बड़ा है, हर मैच अच्छे परफॉर्मेंस करके आते, तो इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। और बॉलर में 4 बॉलर लिया हूँ मैं, पहले मोहम्मद आमिर को लिया हूँ, मोहम्मद आमिर पिछले मैच में बहुत बड़े पारी खेल गए थे, देख लो उनको, आई थिंक मिडिल बैच में 1 विकेट लेके आए थे, और उससे पहले मैच 2 मैच लगातार 2-2 विकेट लेके आए थे प्लेयर, तो बहुत बड़ा प्लेयर है, इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। और नेक्स्ट शेडन काटोल, काटोल भी बहुत बड़ा प्लेयर है, देख लो उनका रिकॉर्ड, पिछले मैच जमैका T20 में 2 डॉट पर गए थे, विकेट नहीं लेके आए थे, तो प्लेयर बहुत बड़ा है, हालांकि यहाँ पे विकेट ज़्यादा नहीं लिए, तो अकॉर्डिंग टू इनका रिकॉर्ड मैं इनके साथ जा रहा हूँ। नेक्स्ट जॉस सरज जगेसर, ये प्लेयर बहुत बड़ा है, पिछले कैरेबियन T20 में हुआ था, उसमें हर मैच में विकेट ले गए थे, पर 60 में पिछले मैच में विकेट नहीं ले गए थे, पर उससे पहले विकेट ले गए थे 1 विकेट, तो इस मैच में विकेट लेके आ सकते, तो इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। और लास्ट में डोमिनिक टेस बैटिंग भी करेगा प्लस बॉलिंग भी करेगा, इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। पिछले मैच में देख लो 2 विकेट ले गए थे, उससे पहले 1 विकेट, और एक मैच 33 रन बनाए थे और 1 विकेट ले गए, तो बैटिंग भी बहुत बड़ा कर लेते, तो इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। तो गाइस एक स्मॉल टीम रहेगी, तो क्या कैप्टन वाइस कैप्टन में, कैप्टन मेरा डेविन ब्रावो रहेगा, और वाइस कैप्टन में फैबिन एलन को मारा हूँ। तो गाइस एक स्मॉल टीम रहेगी, थैंक यू सो मच कर रहा है। और गाइस यहाँ पे फ्री लीग ऐड हो गया, तो जरूर फ्री लीग ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग गाइस।